आवश्यक सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 200/2020 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी निवारण अधिनियम 1986 थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज निवासी 95D15 चकिया खुल्दाबाद थाना खुल्दाबाद जनपद प्रयागराज से द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज के नाम पर क्रय की गई अचल संपत्ति घाटा संख्या 497 रकबा 14.39 बिस्वा मौजा देवघाट परगना व तहसील सदर जनपद प्रयागराज को माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज द्वारा क वार्ड संख्या D20220203007204 वर्ष 2022 दिनांक 15/11/22 में पारित निर्णय आदेश के तहत कुर्क किया जाता है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये थाना धूमनगंज अंतर्गत देवघाट गांव है, यहाँ पर ये अतीक अहमद के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति है, जिसमें उनके भाई के नाम से यहाँ पर 14.39 बिस्वा का ये एरिया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ है, उसी को यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है। ये अशरफ हैं, ये अतीक के भाई हैं, अतीक अहमद के भाई हैं, और ये उनकी गैंग के सक्रिय मेंबर भी हैं, और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अलावा बहुत सारे पहले से मुकदमे 30-35 लगभग जो अभी बताया गया है, इतने मुकदमे पहले से दर्ज हैं। अरे उसको देखो खोज के चला जाए। अरे कहाँ गए ये लड़के? ठीक चलेगा। हाँ ठीक बताई जा रही है, और उसको आज यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट की ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर कई थानों की पुलिस फोर्स है, धूमनगंज थाना पुलिस है, दरअसल गैंगस्टर के मुकदमे में अशरफ भी बांधे था और उसके खिलाफ जांच पड़ताल कर रही थी। उसके दौरान जांच की जानकारी पुलिस को हुई। बड़ी मादर दिखा तो बड़ी मादर चुदई है। जेल नैनी जेल ठीक है। हेलो हाँ एक बजा रोहित ये जमीन 7 करोड़ रुपए, इसकी कीमत है वो